पहाड़ों की रानी मसूरी में 13वीं बार 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भगवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया है। कई कृष्ण भक्त पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा सनातन मंदिर लंडोर से कथा पंडाल झूलाघर तक निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सर पर कलश ले जाकर यात्रा सफल की। कथा में कथा वक्ता पंडित कपिल देव शास्त्री के साथ साथ बाल व्यास अर्जित नारायण हैं। बाल व्यास के होने से लोगों में उत्सुकता है। कथा वक्ता कपिल देव शास्त्री ने कहा कि पितृपक्ष में कथा सुनने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस समाज के में जो विकृतियां आज के इस कलिकाल के परिवेश में फैली हुई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवेत् की कामना से यह यज्ञ किया जाता है। तो वहीं कथा आयोजक पंडित अजय प्रसाद उनियाल ने कहा कि यह कथा सभी शहर वासियों की मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए की जा रही है। पितृपक्ष में होने वाली इस श्रीमद् भागवत का प्रमुख उद्देश्य यही है कि यदि एक गरीब व्यक्ति भी कोई अपनी भागवत न करा सके, ये सार्वजनिक भागवत में शामिल होकर के अपने पितरों का उद्धार करवा सकता है। और सब हमारे मसूरी के आसपास होने वाले निर्विघ्नता को बनाए रखने के लिए इस पर्यटन नगरी में श्रीमद् भागवत कथा का हर वर्ष आयोजन किया जाता है। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट।